प्लास्टिक इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर है. सो इसलिए पुअर कंडक्टर होने की वजह से ये किस लिए यूज़ होता है, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने के, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस एंड केबल्स, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक केबल्स, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज. सो टू प्रॉपर्टीज़ हमने की है, फर्स्ट थी थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सेकेंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर. अब प्लास्टिक्स जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है, दे कैन नॉट बी सॉल्व्ड सॉल्युबल इन वाटर, सो देयरफॉर इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, बकेट्स बनाने के काम भी आते हैं ये, ठीक है. इफेक्ट ऑफ फ्लेम में क्या इफेक्ट होता है, मोस्ट प्लास्टिक्स आर इनफ्लेमेबल, दैट इज़ दे कैच फायर. आपको पता है कि प्लास्टिक्स जो हैं वो ईजिली फायर कैच कर लेते हैं. रिएक्टिविटी, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और एयर से इसका कोई रिएक्शन नहीं होता. दे डू नॉट करोड ईजिली, ठीक है, विच मेक्स दैम सुटेबल टू यूज़ इन होम्स, लैब्स फॉर स्टोरिंग केमिकल्स एंड अदर मटीरियल्स. आपने देखा होगा कि ये ईजिली रिएक्ट भी नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट होता है प्लास्टिक्स का. इफ़ वी गो, अब इन्होंने बोला कि अगर हम कुछ साल पहले जाएं, ठीक है, जब प्लास्टिक केम टू द वर्ल्ड, ठीक है, तो इट वाज अ वंडर मटेरियल. इसको बहुत ज़्यादा जो है क्या कहा गया था कि बहुत अच्छी चीज़ कोई डेवलप हो गई है, ठीक है, बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया तो प्लास्टिक जो है वो सीरियस थ्रेट, इट बिकम अ हेल्थ हैजार्डियस कंपाउंड. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक्स जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स है, मतलब वो ईजिली डीकम्पोज नहीं हो सकते बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक इज कंसिडर्ड एज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैथड यूज टू डिस्पोज देम रिजल्ट इन सम टाइप ऑफ डैमेज टू द इन्वायरमेंट. अब पहले जब प्लास्टिक बना तो उसको लोग बहुत खुश हुए कि एक अच्छी चीज़ बन गई है, पर जैसे जैसे जो है टाइम चेंज होता गया, प्लास्टिक जो है दैट बिकम अ सीरियस हेल्थ हैजार्डियस कंपाउंड. बिकॉज क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट कैन नॉट बी डीकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वो सीरियस प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज मोस्ट द मेथड यूज टू डिस्पोज देम इट रिजल्ट इन द टाइप ऑफ, ये क्या है, सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो इन्वायरमेंट को करी जा रहा है. अब केयरलेस डिस्पोजल, अगर हम प्लास्टिक बैग्स इधर उधर फेंक दें, ठीक है, हमने ड्रेन उसमें फेंक दिए, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में, तो वो क्या चौक ड्रेन को जो है वो चौक कर देता है, रोक देता है, ड्रेनेज सिस्टम को बंद कर देता है, सॉइल को डिग्रेड कर देता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सॉइल में, वाटर की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, ठीक है, और अगर एनिमल्स इसको खा जाएं तो इवन एनिमल्स दे कैन गेट किल ऑल्सो, ठीक है, और अगर हम इसको बर्न करें तो ये क्या रिलीज़ करते हैं, इट रिलीजेस दी पॉइजनस फ्यूम्स एंड पल्यूट्स दी एयर विच कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है. क्लियर हो गया प्लास्टिक्स और इन्वायरमेंट में क्या इसका इफेक्ट है. इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट कैन नॉट बी डीकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो इसलिए इसके डिस्पोजल का जो रिजल्ट है दैट इज़ वेरी डैमेज्ड, क्रिएटिंग अ डैमेज टू द इन्वायरमेंट. तो इसको अगर हम प्रॉपरली यूज़ नहीं करते तो क्या ये ड्रेनेज चौक को ड्रेन कर सकता है, ठीक है, ड्रेन्स कर देता है चौक को, ठीक है, मतलब ड्रेनेज पाइप्स को जो है वो रोक देता है, सॉइल को डिग्रेड कर देता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन उसमें कम कर देता है सॉइल में, ठीक है, और अगर एनिमल्स इसको खा जाएँ तो इट मे कॉज डेथ ऑफ द एनिमल ऑल्सो, ठीक है, और अगर इसको हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो ये पॉइजनस गैसेस रिलीज करता है जिसके कारण ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है. ओके, नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक्स, दैट विल डू इन द नेक्स्ट टॉपिक.